बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। कोटेदार के पक्ष में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कई छवि को धूमिल किए जाने की बात। बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील अंतर्गत विकास खंड गैंडास बुजुर्ग के ग्राम पंचायत गजपुर ग्रंट के मजरे भुजवन डी में कोटेदार भगवान दास द्वारा कार्ड धारकों को कम राशन वितरित की जाने की शिकायत कुछ ग्रामीणों के माध्यम से मिल रही थी, जिसके आधार पर उक्त ग्राम पंचायत में जाकर जब गुरुवार को मौके पर तफ्तीश की गई, तो कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को राशन वितरित किया जा रहा था। इसको लेकर जब मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, तो कार्ड धारक क्रांति, हाजीरा, रक्षा राम, कृष्णा देवी, अब्दुल वहीद, शफी मोहम्मद आदि लोगों ने उग्र होकर कोटेदार के पक्ष में प्रदर्शन कर राशन सही तरह से वितरित किए जाने की बात कही है। वहीं कार्ड धारकों को कम राशन दिए जाने की शिकायत को लेकर जब कोटेदार भगवान दास से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूर्णतया निराधार हैं। कुछ लोगों द्वारा मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। मेरा बेटा राजेंद्र गुप्ता इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवार है, जिसके चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है। बलरामपुर से कैमरामैन हंसराज के साथ ब्यूरो अजय शर्मा, हैप्पी की रिपोर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको राशन वितरण के दौरान? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं मिल रहा है। बराबर बराबर राशन मिला। हसन अली। कार्ड धारक का नाम बताइए। हाजीरा। कोई आपको समस्या तो नहीं आ रही राशन वितरण में? कोई समस्या नहीं सर। हर मंथ आपको राशन मिल रहा है? मतलब अभी आपको इस बीच कोई समस्या? नहीं नहीं, इस बीच कोई समस्या नहीं। कभी पड़ेगा हमारा रक्षा राम। अरे तो ये बताइए, आपके यहाँ पे कोटे की शिकायत थी कि आपके यहाँ पे कम वितरण हो रहा है, तो इस बारे में क्या आप लोग को मतलब हर मंथ राशन मिल रहा है? जी जी सर, हम लोग को बराबर मिल। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? कोई नहीं। नाम क्या पड़ेगा? अब्दुल मजीद। कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको राशन में? कुछ नहीं मिल रहा है बराबर आपको? हाँ। आपका कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको राशन वितरण के दौरान? नहीं मिला था बराबर। बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? भगवान दास। आप किस ग्राम सभा के कोटेदार हैं? आपके यहाँ पे शिकायत प्राप्त हुई है कि आपके यहाँ पे कम वितरण हो रहा है, आप कार्ड धारकों को कम राशन वितरित कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये साहब सब उल्टी खबर है और बदनाम किया जाता है। राजनीति के दौर से दबाव दी जाती है कि मतलब हम बदनाम हो जाएं, और सच्चाई सबसे ठीक है साहब, कोई गलत हमारे यहाँ वितरण नहीं होता, बहुत बराबर वितरण हो रहा है। नहीं तो मतलब जो आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं ये क्या है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सब गलत है साहब, ये राजनीति के दबाव है। हमारा हम पंचायत प्रधान प्रत्याशी हैं और सामने वाला भी प्रत्याशी, वो हमको दबाव देता है कि आप किसी हिसाब से बैठ जाएं, डर जाएं, दब जाएं। यही बात है साहब, सच्चाई यही है। खाली राजनीति के दौर ये सब कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं।